हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? गुड मॉर्निंग। सो दोस्तों, शेयर मार्केट की और वीडियो में आपका स्वागत है। सो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे यस बैंक की। किस चीज़ की बात करेंगे? यस बैंक की। सो दोस्तों, आज डेट है 16 अक्टूबर और ठीक 5 दिन बाद 22 अक्टूबर को इनका रिजल्ट आएगा। ठीक 4 ट्रेडिंग डे बचे हुए हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को इनका क्वार्टर रिजल्ट आएगा। सो दोस्तों, क्वार्टर रिजल्ट इनका किस तरीके से हो सकता है ये हम डिस्कस करेंगे और क्यों आपको अलर्ट रहना है। क्योंकि देखिए, अगर आपने यस बैंक में इन्वेस्ट किया है तो अगर आप पिछले 3 महीने से सो रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं, बट आपको अगले 4-5 दिन बहुत ही अलर्ट मोड पर रहना है। क्यों रहना है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए, जिससे इस तरह की आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इनका क्वार्टर रिजल्ट आया था और उस क्वार्टर रिजल्ट को हम एनालाइज करेंगे किस तरीके से हो सकता है। देखिए, यस बैंक लिमिटेड जुलाई 23, 2021 को क्या हुआ था, इनका क्वार्टर रिजल्ट आया था पिछला वाला। अब उसके बेस पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या संभावनाएं बन सकती हैं। तो देखिए, सबसे पहले इंटरेस्ट अर्न, देखिए इंटरेस्ट अर्न की बात करें तो ये देखिए 30 जून तक का है। यहाँ पे कॉलम ऐड हो जाएगा 30 सितंबर तक का, राइट? तो हम देखेंगे यहाँ पे किस तरह का डेटा हो सकते हैं। देखिए, 31 मार्च को हुआ था 2,04,000, राइट, लगभग 20,000 करोड़। और देखिए, 30 जून 2020 को 5,48,608, राइट। 31 मार्च 2021 को, ये देखिए, ये एक साल पहले की बात है, 2020 और ये 2021, अभी 21 चल रहा है। तो देखिए, पिछले साल में मार्च 2021 में देखिए बहुत ज़्यादा इनका लॉस हुआ था क्योंकि नेट इंटरेस्ट इनकम भी घट गया था। उसके बाद देखिए फिर से इन्होंने रिकवर करने की कोशिश की और 4,52,542 करोड़ का इनका जो है हो गया था। अब देखिए, जिस हिसाब से देखिए 30 जून 2021 को 5,48,000 था और क्वार्टर एंडेड ये देखिए 31 मार्च को 3,98,000। और देखिए फिर अगला, फिर यहाँ पे ये कोई डेटा गिरा, फिर यहाँ पे ये डेटा जंप हुआ, राइट। अब ये जंप और आगे भी देखने को मिलेगा यहाँ पे, और कम से कम ये डेटा आपको 5.5 लाख के राउंड होना चाहिए, राइट। जिस हिसाब से डेटा बन रहा है, 5.5 लाख के अराउंड कम से कम 10% का जंप डेटा में होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखिए 30 सितंबर 2021 लिख के आएगा और ये यहाँ पे एक जो है इंटरेस्ट अर्न का डेटा लगभग 10% जंप होना चाहिए। इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट्स देखिए दोस्तों, पहले कितना था, 2,68,000 एक साल पहले, और 30 जून 2020 में 76,400 था। फिर जो है अप्रैल मार्च 2021 में 64,000 हो गया, फिर 61,000 हो गया, राइट। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट्स, सो दोस्तों यस बैंक का काम है बैंकिंग करना और देखिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, ये केवल बैंकिंग का काम ही कर रहा है, राइट। तो ठीक है, ये डेटा कम हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड का डेटा हमको देखना पड़ेगा। देखिए पहले मार्च, देखिए जून 2020 में इंटरेस्ट एक्सपेंडेड का डेटा कितना था, 3,57,000 करोड़। फिर कितना हो गया, 3 लाख, फिर 3,012, मतलब यहां से ये डेटा कम हुआ और ये डेटा फिर से 3,012 हो गया, राइट। जस्ट लाइक इस वाले डेटा की तरह इंटरेस्ट जो है एक्सपेंड हुआ है। तो यहाँ पे देखिए फिर से ये जो डेटा बढ़ेगा, यहाँ पे जंप होने की उम्मीद है, कम से कम 10% का डेटा जंप होने की उम्मीद है और ये डेटा कम से कम 360-370 के राउंड पहुंचने की उम्मीद है, राइट। पेमेंट्स एंड प्रोविजन फॉर एम्प्लाइज, राइट। देखिए एम्प्लाइज में क्या है कि पहले 64,000 करोड़, और ये 57,000, फिर जो है 64 पे आ गया। तो देखिए ये बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि पेमेंट ऑलरेडी बढ़ने की उम्मीद है। अब आगे देखते हैं, देखिए प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज एंड टैक्सेस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों, प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। तो देखिए पहले कितना था, पिछले में 6,024, फिर देखिए ये लॉस हुआ था पिछले अप्रैल क्वार्टर मार्च 2021 में, जून 2021 में देखिए ये डेटा बढ़ा 27,584, राइट। तभी आपको जो है कुछ 200 कुछ करोड़ का प्रॉफिट मिला था।
ये डेटा और भी दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ये और भी बढ़ने की उम्मीद है, और ये 27,000 से कम जो है दुगना होने की उम्मीद है, लगभग 50,000 के अराउंड होने की उम्मीद है, और प्रॉफिट जिससे 500 करोड़ के आसपास बैठेगा, राइट। तो ये प्रॉफिट 500 करोड़ मतलब कि प्रॉफिट आफ्टर ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, जिसमें ऑर्डिनरी एक्टिविटीज में मतलब कि किसी तरह का एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, किसी तरह का रिकवरी नहीं है, तो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज का प्रॉफिट लगभग जंप करने की उम्मीद है अच्छा खासा, राइट। नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, टैक्स, टैक्स भी देखिए ये देंगे, टैक्स भी बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट भी बढ़ने की उम्मीद है, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये डेटा आपको फिर से बता दूँ, ये देखिए मार्च 2021 है, ये अपने जून 2021 है, यहाँ पे नया कॉलम ऐड होगा सितंबर 2021। तो जो डेटा मैं बता रहा हूँ वो एक प्रकार से बढ़ने की उम्मीद है। अब पूरा सीधा आते हैं एनपीए, जीएनपीए और प्रॉफिट पे। देखिए एनपीए का रेशियो पिछले में कितना था, 28,000 करोड़, 28,050 करोड़, 28,060 और 28,050, राइट। ये डेटा एनपीए का दोस्तों काफी कम होने की उम्मीद है, कम से कम ये 20 के नीचे आने का उम्मीद है ग्रॉस एनपीए, बिकॉज क्योंकि रिकवरी भी अच्छी खासी होने की उम्मीद है ग्रॉस एनपीए। क्यों आप बोलेंगे क्यों, तो देखिए दोस्तों ये मैं इनका डिफॉल्टर का डेटा लगा रखा हूँ, रिलायंस एडीएजी 12,800 करोड़ रुपए, यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी होने की उम्मीद है, क्योंकि जो है डीएमआरसी का जो पैसा था दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का, वो उनने बोला हुआ है कि कुछ पैसा ये रिलायंस इंफ्रा को देने वाले हैं, क्योंकि लोन लिया हुआ था, राइट, सॉरी उनका काम किया हुआ था, तो कोर्ट केस चल रहा था, कोर्ट केस में वो जो है रिलायंस इंफ्रा जीत गया था, तो रिलायंस इंफ्रा कुछ पैसे जो है अपना डिफॉल्टर को चुकाने में चुकाएगा, तो यहाँ से रिकवरी होगी, राइट। तो यहाँ से अच्छा खासा रिकवरी और भी कुछ रिकवरी होगी, तो मेन रिकवरी होगी रिलायंस इंफ्रा से, एडीएजी से। इसलिए दोस्तों यहाँ पे ये वाला डेटा आपको रिकवरी होने की, ग्रॉस एनपीए का डेटा यहाँ पे कम से कम 2 के नीचे आने की उम्मीद है, मतलब ये 28,050 ये डेटा ऐसे लिखा हुआ है, किसका मतलब है 28,500 करोड़, राइट, ये ऐसे करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कम से कम 20,500 करोड़ रुपए की आने की उम्मीद है, तो जिससे आपका रिकवरी लगभग 8,000 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। नेट एनपीए दोस्तों, नेट एनपीए भी जो ग्रॉस एनपीए कम आएगा, नेट एनपीए भी कम होने की उम्मीद है, राइट। देखिए 28,000 में 9,000 करोड़ रुपए, तो इन्होंने जो है लगभग 20-22 हजार करोड़ रुपए जो है इन्होंने प्रोविजनिंग कर रखे हैं, तो 9,000 करोड़ रुपए और बचे हुए हैं, राइट। तो ऑलरेडी ये किसी भी स्लिपेज के लिए अगर होगा तो इनका जो प्रॉफिट आएगा वहां से ये कवर हो जाएगा। तो सबसे बड़ा डेटा रहेगा दोस्तों ग्रॉस एनपीए, जो 8,000 करोड़ रुपए कम होने की उम्मीद है, ग्रॉस एनपीए कम होगा तो नेट एनपीए भी कम हो जाएगा, अब परसेंटेज ऑफ एनपीए 5.78% है नेट एनपीए, तो भी कम होने की उम्मीद है, ग्रॉस एनपीए भी परसेंटेज जो 15% है दोस्तों, तो देखिए ये भी और कम होने की उम्मीद है। तो आप सीधा सीधा देखिए मेन सबसे बड़े डेटा पे आते हैं प्रॉफिट, राइट। तो आपको मालूम होगा इनका प्रॉफिट 225 करोड़, राइट, ये देखिए प्रोविजन एंड प्रॉफिट एंड लॉस। सो यहाँ पे आप देखिए फ्रेश स्लिपेज पिछले में 11,873 करोड़ था, ऑलरेडी प्रोविजन कर रखे हैं यहाँ पे, तो कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। बैलेंस शीट में देखिए कस्टमर डिपॉजिट भी बढ़ा हुआ है और आगे ये भी और बढ़ने की उम्मीद है, राइट। तो ये पूरा बुक का डेटा आपको दिया हुआ है, और ये कासा रेशियो सभी चीज का डेटा दिया हुआ है, अपग्रेड्स, कैश रिकवरी भी, कैश रिकवरी भी बढ़ने की उम्मीद है, प्रिंसिपल रिकवरी, प्रॉफिट, प्रोविजनल राइट ऑफ, ये सब पूरा डेटा लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जिस हिसाब से प्रॉफिट का डेटा था 207 करोड़ रुपए, ये प्रॉफिट का डेटा और बढ़ने की उम्मीद है, और इस चीज से ये होगा आपको भारी भरकम रिकवरी रिलायंस एडी चीज से। मेन वीडियो बनाने का पर्पज यही था कि ये जो वीक आने वाला है इसमें आपको बहुत ही अलर्ट रहना है, प्राइस में मूवमेंट बहुत ज्यादा होने वाला है, तो इस वीक में आपको बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।